लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। अब का प्रभाव पूरे विश्व में बढ़ता जा रहा है। अब तक विश्व में 16,500 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 3.81 लाख लोग इसके चपेट में आ चुके हैं। भारत में भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, जिसके कारण अब BCCI ने IPL गवर्निंग काउंसिल और फ्रेंचाइजी के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली बैठक को रद्द कर दिया है। BCCI ने IPL 2020 के बैठक को किया निरस्त। मौजूदा समय को देखें तो भारत में अब तक कोरोना वायरस से 503 लोग प्रभावित हो चुके हैं, जबकि 9 लोग की जान भी जा चुकी है, जिसके बाद से इसको लेकर बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी है। क्रिकेट पर भी इसका असर पड़ता जा रहा है। IPL 2020 को अब तक 29 मार्च से टालकर 15 अप्रैल तक कर दिया गया था। अब आज BCCI, IPL फ्रेंचाइजी और IPL गवर्निंग काउंसिल के बैठक में IPL 2020 के भविष्य पर चर्चा करने वाली थी, लेकिन उसके बाद अब ANI को एक BCCI के सोर्स ने बताया कि आज की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाली बैठक को अब रद्द कर दिया गया है। हालांकि उम्मीद है कि जल्द ही BCCI IPL को लेकर कोई बड़ा फैसला लेगी, जिससे इस लीग के भविष्य पर कोई फैसला आ सके। वायरस से प्रभावित हो रहा है अब विश्व। भारत सरकार को अब वायरस से बचने के लिए बड़े उपयोग करना होगा। सरकार अब पूरी तरह से जागरूक होकर काम कर रही है, जबकि देश के कुछ लोग उनका साथ भी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, देश के बड़े सेलिब्रिटी भी अब एकजुट होकर लोगों से बचाव के रास्ते अपनाने की गुहार कर रहे हैं। उम्मीद है इसका असर देश के लोगों पर होगा, जिससे भारत की स्थिति चीन और इटली जैसे देशों की तरह नहीं होगी। भी इससे जूझ रहा है, वहां आंकड़ा 800 के पास पहुंच चुका है, जबकि ईरान और अमेरिका जैसे देश भी इससे बुरी तरह से जूझ रहे हैं। हालांकि चीन में अब स्थिति सुधर रही है, बंद हो गए हैं पूरी तरह से सभी खेल। इस वायरस का असर खेल जगत पर भी बुरी तरह पड़ा है। कई बड़े टूर्नामेंट को कोरोना के कारण बंद करना पड़ा है। क्रिकेट की बात करें तो जैसे बड़ी T20 को भी अब 15 अप्रैल तक स्थगित कर दिया गया है, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। उनके अलावा कई और खेल पर भी इसका बहुत ज्यादा असर हो रहा है, जिसमें टेनिस और फुटबॉल जैसे खेल शामिल है।